चार डेयर डेविल्स, गंगा नदी पर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर। अब तक आपने देखा, कानपुर में प्रवेश करते हुए पोल्यूशन देखकर द टीम गेट शॉक्ड। वे यहां रुककर समझते हैं कि सरकार और लोग क्या कदम उठा रहे हैं रिवर की स्वच्छता के लिए। सर्दियां अब दस्तक दे रही हैं, चारों तरफ कोहरा छाया है, मगर टीम जल्दी उठकर अपना सफर शुरू करती है क्योंकि उन्हें आज इलाहाबाद पहुंचना है। टीम इलाहाबाद के कुंभ मेला ग्राउंड पर आ पहुंची है। इलाहाबाद के ये सालों पुराने घाट सरकार अब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ मॉडर्नाइज कर रही है और साथ ही नए अपग्रेडेड क्रेमेटोरियम्स भी बना रही है। सरकार ने रिवर की सफाई के लिए वाटर स्किमर्स को भी डिप्लॉय किया है, जो रिवर का सारा ट्रैश एक जगह इकट्ठा करते हैं और सफाई कर्मी उसे सही तरह से डिस्पोज करते हैं। इन एफर्ट से इलाहाबाद में इंडियन स्किमर बर्ड्स भी साइट की गई है। पिछले 50 दिन से टीम कैंप का रूखा सूखा बोरिंग खाना खाकर काम तो चला रही है, मगर टेस्टी चटपटा और फ्रेश खाने का इंतजार इन्हें बहुत दिनों से है। So I have this little list that we'll hopefully target today. Lassi to rabri to chaat or golgappas, gulab jamun. Let's see how we get on. Best lassi in Allahabad. पेट पूजा की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। टीम आज के लॉन्च पॉइंट संगम पर पहुंचती है। यहाँ गंगा में यमुना नदी आकर मिलती है। संगम के बाद गंगा का बहाव और चौड़ाई काफी बढ़ जाते हैं। इस नई रफ्तार पर सवार होकर टीम आगे निकल पड़ती है। आगे की जर्नी फॉलो करने के लिए देखते रहिए डिस्कवरी, सपोर्टेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा।